Kumar, Kashyap, your time is 4 minutes, but you can take 5 minutes. Thank you, sir. Not more than 5 minutes. Sir, आपने मुझे नाबार्ड बिल 2017 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. सर, ये बिल नाबार्ड कानून 1981 में संशोधन के लिए लाया गया. इसमें संशोधन के बाद नाबार्ड की अधिकृत पूंजी जो अब 5,000 करोड़ है, वो 5,000 करोड़ से बढ़ करके 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगी. और इसके बाद अगर जरूरत पड़ने पर यह पूंजी जो है RBI के से सलाह लेने के बाद यह 30,000 करोड़ से भी बढ़ाई जा सकती है. इससे जो है नाबार्ड की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और ये गांवों के लिए, किसानों के लिए और ज़्यादा ऋण दे सकेगा, जो हमारे देश के हित में होगा. नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान तो करता है. संशोधन के बाद नाबार्ड गांव में अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए भी ऋण दे सकेगा, जिससे हमारे गांव में जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो गांवों के विकास के लिए एक अहम योगदान कर सकेगा. बिल में संशोधन के बाद नाबार्ड में जो RBI की हिस्सेदारी थी, वो पहले जो हिस्सेदारी थी, अब संशोधन के बाद वो भी खत्म हो जाएगी. इससे जो है केंद्र और RBI के बीच में जो टकराव रहता था वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी देश के रहेगा. तो नाबार्ड से गांवों का विकास होगा, किसानों को ज़्यादा लोन मिलेगा, छोटे छोटे उद्योगों के लोन मिल सकेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. तो मैं इसके बाद दो सुझाव दे करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ. सर, हमारा देश गांवों का देश है. यहाँ पर ज़्यादा आबादी जो हमारी गांवों में निवास करती है, और उसमें ज़्यादा जो है किसान, 70% के लगभग किसान खेती करते हैं. परंतु जैसे वीर सिंह जी ने, माननीय सदस्य ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया. आज जो है बीज महंगे हो गए हैं, खाद महंगा हो गया, पेस्टिसाइड महंगा हो गया. मैं भी पीछे गाँव में गया था, आज किसानों की इतनी बड़ी समस्या, जो ये अब खरपतवार गेहूँ में पैदा हो रहा है, तीन तीन बार पेस्टिसाइड डालने के बाद भी खरपतवार जो है खत्म नहीं हो रहा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. इसीलिए जो हमारा किसान जो घाटे में चला गया है, इसलिए जो किसान समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, उन्होंने अब खेती करना छोड़ दिया है और वो अपने बच्चों को लेकर के गाँव शहरों में चले गए हैं. अब खेती कौन करता है? जो गरीब मजदूर आदमी वहाँ पर रह गए वो खेती करते हैं. इसलिए अब खेती करना बहुत महंगा हो गया है. तो मैं वही सुझाव देना चाहूँगा जो वीर सिंह ने कहा है, अगर हमने गांवों को आगे बढ़ाना है, किसानों को आगे बढ़ाना है, तो हमें किसानों को खेती के साथ साथ उनको जो पशुपालन का जो काम है वो भी हमें उनको कराना होगा. और उसके लिए नाबार्ड से मेरा सुझाव है मंत्री जी से, नाबार्ड जो है डायरेक्ट लोन जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन के लिए उनको लोन देगा, तो इसका क्या फायदा होगा? आज हमारे देश में शुद्ध दूध, जो दूध है शुद्ध नहीं है, 60% जो दूध है हम जो ये मिलावटी दूध पी रहे हैं, उस पशुपालन के होने से वहाँ पर ज़्यादा डेयरी लगने के बाद जो है दूध में बढ़ोतरी होगी. दूध में जब बढ़ोतरी होगी तो हमारी सेहत के लिए बड़ा फायदा होगा, इसलिए किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. इसलिए मेरा दोबारा मंत्री जी से, आपके माध्यम से मंत्री जी से, नाबार्ड के माध्यम से ज़्यादा लोन पशुपालन के बढ़ावे के लिए दिया जाए, तो इससे गाँव में जो किसानों में बेरोजगारी है, छुपी बेरोजगारी है, जो हमारे नौजवान भाई हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, आज जो है छोटी छोटी नौकरी करने के लिए तरस रहे हैं, वो जो है कंट्रैक्ट बेस पे, आउटसोर्सिंग बेस पर लगने के लिए तैयार हैं. तो इसलिए अगर उनको बेरोजगारी को खत्म करना है तो पशुपालन को जो है गाँव में बढ़ावा देना होगा. और इसके लिए जो है नाबार्ड बहुत अहम योगदान कर सकता है. उसको ज़्यादा पैसा जो ये बढ़ाया गया है पशुपालन के लगाया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा. दूसरा सुझाव मेरा है, जैसे अब नाबार्ड का एक बोर्ड बनेगा, मेरा एक सुझाव है, अभी जब नाबार्ड का बोर्ड बने, राज्यसभा के MP भी उसमें, कम से कम दो राज्यसभा के MP उस नाबार्ड के उस बोर्ड में लिए जाएं. धन्यवाद. ओके, थैंक यू काश्यप जी.